हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने पिछले कई दिनों से पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको बताया है और बहुत सारी वीडियो भी बनाया है, और वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे कमेंट भी मुझे आ रहे हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताइए। तो आज के इस वीडियो में सवाल जवाब के थ्रू मैं टॉप क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं बहुत सारे, उनको मैं यहाँ पे उसका रिप्लाई बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम में आ रही हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 0 से 6 माह के बच्चे का इंट्री करते हैं तो क्या वह ऑटोमेटिक 6 से 3 साल वाले कैटेगरी में चला जाएगा? तो इसका आंसर है कि अगर आप लोग 0 से 6 माह के बच्चे का इंट्री करते हैं तो 6 माह से 3 साल वाले कैटेगरी में ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, उसके लिए आपको फिर से उसमें इंट्री करना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि लाभार्थी के कॉलम में अगर आप लोग ऐड बेनिफिशरी करते हैं या किसी का नाम जोड़ते हैं तो उस लाभार्थी के कॉलम में पूछ रहे हैं कि क्या इसमें हिंदी में लाभार्थी को ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपडेट है कि आप लोग उस कॉलम में लाभार्थी का नाम हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, या किसी में हो रहा है कि ऑटोमेटिक घट जा रहा है तो आप लोग उसको इंग्लिश में ही लिखिए। इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऐसी आंगनबाड़ी बहनें हैं जो कि पोषण ट्रैकर ऐप में 3-4 इंट्री कर दे रही हैं और उसके बाद उनको डिलीट करने में बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो उनका भी क्वेश्चन है कि क्या हम लोग इंट्री को डिलीट कर सकते हैं? तो यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स कि अगर आप लोग कोई भी इंट्री करें तो वो एक बार दो बार सोच लें, उसके बाद ही इंट्री करें ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। और इंट्री को डिलीट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप लोग कोई भी इंट्री करते हैं तो बहुत ही अच्छे से कीजिए ताकि आप लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। और इंट्री को डिलीट करने का कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है, अगर कोई अपडेट आता है तो मैं फिर से वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। एक आंगनबाड़ी बहन ने पूछा था कि किशोर बालक बालिका का कौन सा ऐड करना है, जो स्कूल जाता है या जो स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि किशोर बालक बालिका वाले में जितने भी आप लोग इंट्री करते हैं तो जो स्कूल नहीं जाते हैं सिर्फ उन्हीं का आप लोग यहाँ पे इंट्री कर सकते हैं। तो आज के इस सवाल जवाब के सीरीज में मैंने जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उनका मैं रिप्लाई दे चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें अपने आंगनबाड़ी बहनों के लिए, क्योंकि वो भी किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रही है। अगर उनको भी ये सोल्यूशन मिल जाए तो आगे चल के कोई गलती नहीं कर पाएंगे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।